बीती रात मुंबई में हुआ विक्रम भट्ट और महेश भट्ट की फिल्म जुदा होके भी का पोस्टर लॉन्च, जिसमें नजर आए सितारे। ये पहली बार है जब कोई वर्चुअल पोस्टर लॉन्च हुआ है, और आपको बता दे कि ये पूरी फिल्म वर्चुअली शूट की गई है। जुदा हो के भी जो है वो एक महज एक फिल्म ही नहीं है, ये एक सफ़र की शुरुआत है। दरअसल एक्चुअली ये दो सफ़र की शुरुआत है। एक सफ़र है मेरे और मेरे बॉस का, मेरे फादर का, मेरे मेंटोर का, जो बचपन से चला है मेरे लिए, और आज मैं इतना खुशनसीब हूँ कि वो मेरी कंपनी के क्रिएटिव हेड हैं, और इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या हो सकती है कि उनके अंडर और उनके गाइडेंस में हमारी सारी फिल्में बन रही हैं। जुदा होके भी जो है वो एक कंटिन्यूएशन है, जहाँ हमने राज को छोड़ा था वहाँ जुदा होके भी कुछ रुक गया है। अ स्टोरी ऑफ लव एंड फियर। अब इस सफ़र में एक और सफ़र शुरू हुआ, और वो है वर्चुअल प्रोडक्शन का। जब लॉकडाउन आया और बाहर शूटिंग अलाउड नहीं थी, रास्तों पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो हमने ये टेक्नोलॉजी को ढूंढा, उसको अपनाया, और वो टेक्नोलॉजी है वर्चुअल प्रोडक्शन। वर्चुअल प्रोडक्शन ये टेक्नोलॉजी है जो आप देख रहे हैं यहाँ कर्व्ड स्क्रीन पे, जहाँ सारी फिल्म जो है वो जुदा होके भी जो फिल्म है वो इंडिया की पहली फिल्म है जो पूरी की पूरी एक फ्लोर पे शूट हुई है, 60 फीट बाय 50 फीट। कहीं नहीं गए हम, पिक्चर में हिल स्टेशन भी है, ट्रेन भी है, वाटरफॉल भी है, सब कुछ है, लेकिन सब वर्चुअली क्रिएट किया गया है पहली बार। ये टेक्नोलॉजी जो हमने सीखी, जो हमने अपनाई, हमारी कंपनी में ये मेरे पार्टनर हैं अमर ठक्कर, जो कि वो सब देखते हैं जो मैं नहीं देखता, मतलब लीगल, पैसा, और उनका काम है मेरे साथ झगड़ा करना। तो हमने ये टेक्नोलॉजी को अपनाया, और फिर हम इंडस्ट्री में देख रहे थे कि कौन है जो ये टेक्नोलॉजी समझ सकता है, क्योंकि हम चाह रहे थे स्टूडियो बनाएं और पिक्चरें बनाएं। अब हम तो प्रोडक्शन हाउस है, हमारे पास तो उस किस्म की पूंजी है नहीं। तब मैं सतीश जी से मिला, सतीश जी को 5 मिनट लगे इस टेक्नोलॉजी को समझने में, सिर्फ 5 मिनट, और उन्होंने कहा कि मैं ये आपके साथ करूँगा। तो अब जुदा होके भी है वो, ये दूसरा सफ़र है मेरा, मेरी कंपनी का, और के सरा सारा और सतीश भाई का, जहाँ हम इस साल तो 5 फिल्में रिलीज़ करेंगे जुदा होके भी को लेकर, लेकिन अगले साल हमारा लक्ष्य है कि हम 25 फिल्में रिलीज़ करेंगे, वर्चुअली बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, कम पैसे में इतना देंगे जो बड़ी फिल्में भी में भी नहीं मिलता। तो ये दो सफ़र जो हैं अब एक सफ़र हो चुका है, और यही आज की ये मीटिंग है, आज की ये कॉन्फ्रेंस है, जहां हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी का एक मिलन हुआ है, और हमारी फिल्में जो हैं वो अब इस तरह बनेगी, ये फिल्म मेकिंग का फ्यूचर भी है। तो यही मैं कहना चाह रहा था। आपके सवाल, थैंक यू वेरी मच। आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि बुरा वक्त जो है उससे बचो,
जब मैं मुड़कर देखता हूँ अपने 53 इयर्स की जर्नी को, तो मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि जब भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आया, तभी वहाँ से एक अजीब सी ताकत, अजीब सी एनर्जी पाकर कुछ नया मेरे अंदर पैदा हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ विक्रम के साथ। 2 साल जब दुनिया रुक गई थी और ये बच्चा जो है डेस्परेटली कोशिश करता था किसी ना किसी तरह वो अपने एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा रखे। शूटिंग अनाउंस होती थी कोविड के दौरान, रिलैक्सेशन होता था, शूटिंग शुरू होती थी, सेट पे जाते थे, फिर कोई बीमार हो जाता था, फिर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। एक तो पैसे की कमी, ऊपर से जब जो पैसा सेट लगाने में या सब कुछ एक साथ लाने में खर्च हो जाता था, वो फिर पानी पानी हो जाता था। तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते ना कि हैड कम टू अ प्रेसिपिस, कि बस नीचे जाएगा या पंख अचानक कहीं से आएंगे और उड़ेगा आसमान में। और कौन कहता है कि मिरेकल्स नहीं घटते, जज्बा तो हो आपके अंदर। तो पंख लग गए इसके और इसने ये एक अजीब जबान में बोलना शुरू किया मेरे साथ में। अब कहते हैं ना कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द पेरेंट, और इसने मुझे, हम कभी ये कभी मेरी उंगली पकड़ के चला करता था, आज मैं इसका हाथ पकड़ के चलता हूँ। ये मुझे वो दिशा दिखाता है, वो नई सुबह की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ये 15 साल का बच्चा जो आया था, जिसने आज ये मोशन पिक्चर के अपना पोस्टर क्रिएट किया है। तो ये अजीब एक दौर है, ये वक्त ने कहीं पर करवट ली है, मगर हमारी इंडस्ट्री शायद अब भी चेंज अवर्स। ऐसे में सतीश जी के अंदर वो एक इंस्टिंक्टिव समझ है, ऐसे नहीं बनता आदमी इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर। कहीं पर इनके अंदर वो एक समझ है, एक इंस्टिंक्ट है कि ये व्यक्ति जो है भविष्य से बात कर रहा है, बाकी सब जो हैं अतीत को दोबारा जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग टू द फ्यूचर। तो जैसे मैंने कहा कि विक्रम, हमारा मंत्र सिर्फ यह है कि हम 10 करोड़ की चीज़ को 100 करोड़ का एक लुक दे सकते हैं, और पूरा बाजार इसी पे खड़ा है, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस। और खास करके ये पैंडेमिक के टाइम पे, जहाँ पर पैसे की हीनता है, जहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई है, ऐसे में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे प्रोडक्शन हाउस को नहीं सर्व करेगी, मगर जब आपके पास एक शक्ति आती है, आपके पास एक ताकत आती है, ऊर्जा आती है, तो उससे सारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। रीजनल सिनेमा के लोग हैं, हमारे मित्र जो है पंजाब से आए थे, वो सतीश जी से मिल गए, विक्रम से मिल के गए हैं, तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारी फिल्मों में इतना बड़ा लुक कैसे आएगा, जो बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म का लुक होता है। आज के ज़माने में कंज्यूमर को आदत हो गई है गुड लुकिंग लैविश प्रोडक्ट। अब नॉन स्टारकास्ट के हिसाब से जब फिल्म बनाते थे तो पैसा नहीं होता था, तो बंद कमरों में छोटे छोटे लोकेशन पे, मगर आज टेक्नोलॉजी ने ये डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज कंटेंट चलेगा, मगर कम पैसों में वो जो ग्रैंडर, वो जो पैकेजिंग है, ये जो इनका जो वर्चुअल पार्टनरशिप का जो एक ये आउटपुट है, ये आपको इनेबल करेगा कि आपका कॉन्टेंट भी बिल्कुल उस मैार तक ले जाएँ जो मैार जो है सबसे बड़ी फिल्मों का होता है। ये अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है। क्रांति जब घटती है तो ऐसा कोई ढोल पीटना नहीं पड़ता है, अचानक साइलेंटली समथिंग हैपन्स, और आहिस्ता आहिस्ता एक अवर्स चेंज डिनाइंग जो एक इंडस्ट्री होती है, वो रिलक्टेंटली मगर मानती है कि हाँ, परिवर्तन घट चुका है, वक्त ने करवट ले ली है, एंड नाउ दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सारे विजुअल, वो सारे हमारी फिल्म के हैं, और ये सारे वर्चुअली बनाए हैं, हम कहीं नहीं गए, ये पूरी शूटिंग यहाँ हुई। ये देखिए, ये जो घर हैं, ये जो दुनिया है,
ये हमने सर आप क्या कहना चाहेंगे एसोसिएशन के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रगुजार हूँ विक्रम जी का और महेश जी का, और धन्यवाद करता हूँ उन्होंने मुझे एसोसिएट्स हम साथ में हुए, और ये एक रिवॉल्यूशन है पूरी इंडस्ट्रीज के लिए, बहुत ही यूनिक रिवॉल्यूशन है। जैसे जैसे इसकी जानकारी लोगों तक जाएगी सभी लोगों के लिए ये बहुत लाभदायी और उपयोग बनेगी। बस मैं इतना ही करा रहा हूँ।